हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को आज दिखाता हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद जो फल कटिंग करते हैं, ये भी देखिए फल नहीं लोड कर रहा है। ये देखिए सड़ गया है पूरा फल, लगभग जो एक ट्रैक्टर फल होगा इधर लाके मतलब जमा करके रखा है पूरा ऊपर से। और ये देखिए कितना फल है, बहुत सारा फल है और फल भी सड़ गया है। ये देखिए ये बाहर से ऊपर से निकाल रहा है ये फल, जितना भी देख रहे हैं। ये मेहनत करके, इतना मेहनत करके फल निकालना पड़ता है। ये आज कटिंग किया हूँ और ये वाला 2 तारीख को कटिंग किया था, तो लगभग हो गया अभी 15 दिन हो गया, 15-16 दिन हो गया इसको कटिंग करने में और अभी तक फल नहीं उठाया। और इतना मेहनत करने के बाद भी फल नहीं उठाया जाता है और बहुत ही परेशानी होता है। और टन के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है, ये सब फल का जो काम होता है, जितना टन होगा वजन में उतना ही आपको पैसा देगा, उसके बगैर आपको पैसा नहीं देगा। और ये देखिए फल इतना सड़ गया है और इसके बाद भी इसका भी पैसा नहीं देता है। ये देखिए फल कितना सड़ गया है और इसको आज उतार रहा है, ये वाला आज कटिंग किया है। और ये आगे जो देख रहे हैं वो फल को मतलब सड़ गया है और बहुत मेहनत का काम होता है भाई। एक अगर कच्चा फल कटिंग कर लेगा तो इसके लिए मतलब ये नहीं होता है, मतलब ये लोग ये कच्चा फल कटिंग करेगा तो उसका 5 रिंगित काट लेगा। और ये अभी देखिए इतना फल सड़ गया है और इतना मेहनत करके निकालना पड़ता है फल को। ये देखिए ये होता है पाम फल, मलेशिया का, जो मलेशिया का पाम फल बोलते हैं और पाम प्लांटेशन का वर्क में जो आते हैं यही काम में आते हैं और ऐसे ही काम करता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कैसा फल है और कैसे बाहर निकाला जाता है। बहुत ही पहाड़ी इलाका है और निकालने में बहुत दिक्कत होता है फल को, और एक जगह ला के जमा करते हैं। और ये देखिए कितना ढेर लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर माल नहीं उठाया है क्योंकि आज आज थोड़ा फल कम हुआ है, आज फल नहीं हुआ है। न तो इस जगह में हर दिन एक ट्रैक्टर माल निकलता है और ये देखिए आज ये इस बार माल नहीं उठाया, एक ट्रैक्टर माल, और एक ट्रैक्टर माल में 5 टन 6 टन माल होता है। आप लोगों का इतना फल पच गया, ये देखिए कितना ये है, 5 टन 6 टन माल है और इसके ऊपर भी फल नहीं उठाता है, काट लेता है। ये देखिए फल कितना मेहनत का काम है। देखिए भाई एक कच्चा फल अगर काट लेगा तो बहुत ही पैसा मतलब काट लेता है, 5 रिंगित काटता है ना। ये देखिए कितना फल सड़ गया है अभी। ये फल निकालने में एक मतलब एक आदमी का बहुत ही परेशानी होता है। और आज ये फल कटिंग किया, 15 दिन बाद आते हैं एक बागान में फल कटिंग करने के लिए। तो ये देखिए आज हम लोग फल कटिंग करने आए हैं, ये देखिए फल कितना सड़ गया है और पूरा सर के ऐसे ही रखा हुआ है, इसका कोई देखभाल करने का नहीं है। और एक अगर कच्चा फल काट देते हैं तो इसके लिए 5 रिंगित काट दिया जाता है। तो चलिए ऐसे ये आज बहुत ही लॉस लग गया हम लोगों को, देखिए कितना फल गिरा हुआ है नीचे। और ये रास्ता भी ख़राब था तो आज रास्ता सही किया है, लेकिन इसमें फल उठाता है लेकिन आज फल नहीं उठाया है, बहुत ही दिक्कत है। ये देखिए अगर आपका अगर एक फल अगर कच्चा अगर मिस्टेक से भी कट जाता है तो 5 रिंगित करता है। और ये देखिए कितना फल गिरा हुआ है, बहुत ही फल गिरा हुआ है, इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है और आपको यहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये देखिए कितना फल सड़ गया है। ये देखिए कितना ये है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, आज तो बहुत दुख हुआ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मतलब बहुत ही हम लोग का परेशानी होता है फल निकालने के लिए काट के। और ये लोग का तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कंपनी का और बॉस लोगों का, मांडू का, ये देख सकते हैं कितना परेशानी होता है फल कटिंग करने में, एक फल कटिंग करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो चलिए अगर ये देखिए कितना गड्ढा है और गड्ढे से भी फल उठा के रखते हैं एक जगह और फल नहीं उठा लेके जाता है। तो चलिए अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। ये देख सकते हैं बागान है ये,
ये देखिए कितना गड्ढा है, यहाँ से फल हम लोग को उठाना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत होता है हम लोग को फल उठाने में, कितना गड्ढा है ये।